Very good afternoon everyone, welcome back to the Maha Revision of LeadGate channel. आप लोग को पता है कि हम लोग जो है ये महा रिविजन कर रहे हैं और इस महा रिविजन में वी आर प्लानिंग मिनिमम दैट 2021 क्वेश्चंस वी शुड प्रैक्टिस फॉर द गेट 2021. ओके, तो कम से कम हमें 2021 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. ओके, टू क्रैक द गेट दैट इज 2021. तो मैं आपको बता दूं, इस लीड गेट चैनल पे जो है एवरी मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, ओके, ये तीन दिन जो है एग्जैक्टली इस टाइम पे, मतलब 12 बजे विल बी हैविंग द क्वेश्चनाइज सेशन. ये सिर्फ क्वेश्चनाइज होगा, जैसा मैंने आपको बताया 2021 टोटल क्वेश्चंस मिनिमम हम लोग करेंगे. तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ये 12 PM आपको जो है क्वेश्चनाइज का सेशन है, और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये तीन दिन रात में 9 बजे 9 PM सेम चैनल पे कंप्लीट रिवीजन है. तो ये कंप्लीट रिवीजन जो है इंक्लूडिंग क्वेश्चनार, ये मिस मत कीजिए. टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये महा रिवीजन जो है इट विल बी एक्चुअली हैंडल्ड बाय V4 फैकल्टीज, दैट इज मीनू गुप्ता मैम एंड मारुति तिवारी सर. दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर टेक्निकल पार्ट फॉर द गेट, एंड रोहित सिन्हा सर एंड मी अमूल्य रतन, वी बोथ विल बी हैंडलिंग द नॉन टेक्निकल पार्ट. मतलब रोहित सिन्हा सर मैथ्स और मैं आपको एप्टीट्यूड, स्पेशली फॉर द एस्पिरेंट ऑफ गेट 2021 मैकेनिकल ब्रांच. ओके, तो इन लोगों के लिए ये महा रिविजन है, मिस मत कीजिएगा कोई भी क्लास, टेक्निकल नॉन टेक्निकल. ओके, फर्दर मैं आपको बता दूं, ये महा रिविजन ऑलरेडी 12 तारीख को शुरू हो चुका है और दिस विल कंटिन्यू अप टिल 31st January, 12th अक्टूबर से लेकर ये 31st January तक चलेगा. तो ये पूरा हम लोग एक राउंड पूरा रिवीजन करेंगे. ओके, एंड फर्दर अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर 2021 एस्पिरेंट हैं तो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर 3 months, एंड फॉर द 3 months द सब्सक्रिप्शन चार्जेस इज 13,750. वही अगर आप 2022 के एस्पिरेंट हैं तो यू वुड टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर 18 months, दैट इज द सब्सक्रिप्शन फीस इज 38,500. ओके, बाकी और भी आप अपने फिजिबिलिटी के अनुसार और भी डिफरेंट पीरियड्स के लिए ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन. लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, दैट इज AR10, ये कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही सिंपल है कि आपको 3 months का कोर्स इंस्टेड ऑफ 13,750 आपको पे करना है सिर्फ 12,375. ओके, एंड अगर आप 18 मंथ्स का ले रहे हैं जिसके लिए आपको 38,000 पे करना था, 38,500, आप ये कोड की यूज़ कीजिए, वहाँ पे आपको ये सिर्फ 34,650 पे करना पड़ेगा. तो यूज़ दिस कोड AR10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट के लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है, क्वेश्चंस है, तो आज का टॉपिक है नंबर्स. ओके, तो नंबर्स के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और आपको पता है कि पहले ही हम लोग आई थिंक 2 सप्ताह में 3 डेज मतलब 66 क्वेश्चन कर दिए, क्योंकि एवरी डे हम लोग 11 क्वेश्चन कर रहे हैं, और कल हम लोग एक और 11, मतलब टोटल 77 क्वेश्चन हो चुका है हमारा. तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 78. तो ये रहा क्वेश्चन, द लास्ट डिजिट इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/5 टू द पावर ऑफ 2000 इज. तो आपको वीडियो पॉज करके आंसर बताना है कि ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा. ओके, फिर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है. तो यहाँ पे पूछ रहा है द लास्ट डिजिट इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/5 टू द पावर ऑफ 2000. 1/5 को क्या मैं आप एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं. ओके, आप पहले अपना आंसर बता लीजिएगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिए. तो 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.2 लिख सकता हूँ. तो मैं ये कह सकता हूँ कि 0.2 का पावर 2000 ये लोग पूछ रहे हैं. अब लास्ट डिजिट पूछे हैं, तो लास्ट डिजिट 2 का पावर में, क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर हमें देखना है, तो 2.2 मतलब 2 का पावर में लास्ट डिजिट कैसे होता है. ओके, कि क्या क्या हो सकता है लास्ट डिजिट, ये हम देखते हैं. 2 पावर 1 इट इज 2. ओके, एक डिजिट मतलब लास्ट डिजिट में 2 ही होगा, सिंगल डिजिट ही है. 2 स्क्वायर यूनिट डिजिट 4, एम राइट. 2 क्यूब यूनिट डिजिट, एक ही डिजिट है 8. 2 पावर 4 आपको आएगा 16. 16 मतलब लास्ट डिजिट क्या होगा, 6 होगा. 16 मतलब लास्ट डिजिट इज 6. ओके, उसी तरह 2 पावर 5 आपको होगा 32, मतलब लास्ट डिजिट अगेन 2. 2 पावर 6 64, मतलब लास्ट डिजिट 4.
मतलब ये फिर से 2486 आ रहा है, मतलब ये वाले चार नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो चार नंबर अगर रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पावर को फोर से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है। मान लीजिए पावर फोर से डिवाइड हो गया, पावर मान लीजिए फोर से डिवाइड हो गया, क्योंकि फोर नंबर रिपीट हो रहे हैं, और अगर पावर फोर से डिवाइड हो गया मतलब रिमाइंडर जीरो आया, मतलब ये चार का ग्रुप बना के यहाँ पे रुक जाएगा, सिक्स पे रुक जाएगा, एम आई राइट। अगर रिमाइंडर वन आया तो वापस टू पे रुकेगा, रिमाइंडर टू फोर पे रुकेगा, रिमाइंडर थ्री एट पे रुकेगा, और रिमाइंडर चार नहीं आएगा, फोर नहीं आएगा, क्योंकि आप फोर से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर जीरो मतलब लास्ट में रुकेगा। तो यहाँ पे पावर क्या है, 2000, 2000 को अगर हम फोर से डिवाइड करें तो ये डिविजिबल है फोर से, मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा मतलब लास्ट डेट क्या होगा, दैट इज सिक्स। तो इसका आंसर है सिक्स। ओके क्लियर, लास्ट डेट इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/5 टू द पावर ऑफ 2000 इज सिक्स। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ भी क्वेरीज डाउट्स है आप चैट में पूछ सकते हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द नंबर्स, देखिए ये गेट 2020 का क्वेश्चन है, तो ये आपका PYQ भी यहाँ पे कवर हो रहा है। तो 2020 गेट का ये क्वेश्चन नंबर 79 आपका है, द यूनिट डिजिट इन 26591749 टू द पावर ऑफ 110016। देखिए इसका यूनिट डिजिट पूछ रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल आपका पहले जैसा ही है। तो आप आंसर बताइए, यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ आपको, डायरेक्टली आंसर आपको बताना है। आपको पता ही है कि ब्लैंक्स भी देते हैं, कभी कभी ऑप्शन नहीं रहता है, सो यू हैव टू इनपुट योर आंसर हियर। तो आप चैट में आपका आंसर बता सकते हैं क्या होगा यूनिट डिजिट। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे यूनिट डिजिट किस पे डिपेंड करता है, ये प्रीवियस बेस में प्रीवियस नंबर क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बेस का लास्ट डिजिट क्या है और वो कितना पावर कैरी कर रहा है। तो बेस का लास्ट डिजिट 9 है और 9 का पावर 110016 कैरी कर रहा है। तो 9 का पावर रन कैसे होता है देखते हैं, 9 पावर 1 यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट कैसे होता है। तो 9 पावर 1 मतलब 9, एक ही डिजिट का होता है 9, 9 स्क्वायर 81 मतलब यूनिट डिजिट 1, 9 क्यूब 729 मतलब फिर से यूनिट डिजिट 9। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ दो ही नंबर रिपीट हो रहे हैं, 9191 91। तो जब दो नंबर होते हैं रिपीट तो हम पावर को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर हमारा 1 आया तो पहला वाला आंसर, रिमाइंडर 0 आया तो दूसरा वाला आंसर। दो ही रिमाइंडर आ सकता है, या तो 1 आएगा या 0 आएगा, क्योंकि आप पावर को 2 से डिवाइड कर रहे हो। क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि दो नंबर रिपीट हो रहा है, आर यू गेटिंग मी। यानी तो जब दो नंबर रिपीट होते हैं तो आप पावर देख कर बता सकते हैं, जब जब पावर ऑड नंबर है हमारा आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है यूनिट डिजिट में, और जब जब पावर इवन नंबर है ओके उस केस में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये पावर को सिर्फ देख लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, ये ऑड है या इवन है, तो नो डाउट ये पावर आपका इवन है। तो पावर इवन होगा तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1, तो इसकी यूनिट डिजिट होगी 1। क्लियर, यस, पावर ऑड नंबर आएगा तब 9 है, और पावर इवन नंबर जब भी है तो 1 है। तो यहाँ पे पावर इवन है मतलब 1 होगा, तो यूनिट डिजिट 1 होगा, क्योंकि जब दो नंबर रिपीट हो रहा है तो सिर्फ आप पावर देख कर भी बता सकते हैं। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 आपकी स्क्रीन पे ये है, हाउ मेनी जीरोज वुड बी एट द एंड इन द आंसर ऑफ 15 × 13 × 45 × 16 × 16 × 1500। इसका जो आंसर बनेगा उसमें लास्ट में कितने जीरोज आएंगे, ये लोग पूछ रहे हैं कितने सारे जीरो आएंगे, जीरो 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 कितनी बार आएगा। तो माय डियर फ्रेंड ये क्या है, आप आंसर बताइए कितने सारे जीरोज आएंगे, 24 जीरोज आएगा, 28 जीरोज आएगा, 86 जीरोज आएगा या 97 जीरोज आएगा। तो देखिए हम समझते हैं माय डियर फ्रेंड, जीरो जनरेट कैसे होता है और कितने जीरोज आएंगे ये हम क्लियरली समझते हैं। ओके मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, आप अपना आंसर पहले भिजा दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा एक्सप्लेनेशन, वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर भिजा दीजिएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, ये क्या दिया है 15 × 30, तो 15 × 30 मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 15 × 1 × 15 × 2 × 15 × 3 × 15 × 4 ऐसे है ये। ओके ऐसे करते करते कहाँ तक है, डायरेक्टली 15 × 100 तक है, 1500 मतलब 15 × 100 तक है। तो 15 अगर मैं कॉमन ले लूँ ओके तो ये क्या है हमारे पास, 15 हर जगह कॉमन ले लूँ ओके 15 15 15, तो ये 15 कितनी बार आएगा हमें, 15 × 15 × 15 ये कितनी बार आएगा, 100 टाइम्स आएगा। तो 15 का पावर 100, 15 × 15 ये टोटल 100 बार है। उसके बाद फिर और क्या हमारे पास बचा है, 1 × 2 × 3 × 4 सो ऑन अप टिल
हंड्रेड, एम आई राइट? यानी तो इसे मैं ये भी बोल सकता हूँ, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 15 का पावर 100 इंटू 100 फैक्टोरियल, एम आई राइट? ओके, अब इसमें पूछे हैं कि आंसर में लास्ट में कितने जीरोज आएंगे, तो देखिए जीरो कैसे जनरेट होता है, जब भी 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो जनरेट होता है, 5 2 10, ओके, 5 को आप 4 से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जीरो जनरेट होगा, जैसे दैट इज 5 4 20, एम आई राइट? 5 को जब भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो जनरेट होगा, और बाकी जीरो जनरेट होने के लिए और कोई चांस नहीं है, जब भी पेयरिंग बनेगा 5 और 2 का या 5 और इवन नंबर का तभी हमें जीरो जनरेट होता है, एम आई राइट? अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर 10 × 3 ये भी तो जीरो जनरेट हो रहा है, 10 3 30, लेकिन 10 × 3 में जीरो क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 है और 10 कैन बी रिटन एज 5 2 10, देखिए यहाँ पे 5 और इवन नंबर का कॉम्बिनेशन रहेगा तभी जीरो जनरेट होगा, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, ब्रेक कीजिए 15 को आप लिख सकते हैं 5 × 3, इसका पावर है 100, ओके, इंटू 100 फैक्टोरियल में आपको कितने सारे 5s होंगे और कितने सारे 2s होंगे ये आपको देखना है, ओके, तो 100 फैक्टोरियल जो है उसमें 5 कितने आते हैं, मैंने आपको नंबर्स जब बताया होगा तो समय बताया होगा आपको, 100 फैक्टोरियल में 5 कितने आते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए 100 को 5 से डिवाइड कीजिए 20 आएगा, और 20 को भी 5 से डिवाइड कीजिए तो आपको 4 आएगा, और 4 को भी 5 से डिवाइड कीजिए तो 0 आएगा, मतलब टोटल कितने आएंगे 24 फाइव्स आएंगे, तो इसमें आप लिख सकते हैं 24 फाइव्स हैं, ओके, 5 to the power of 24 इंटू, बाकी जो है आपको 1 बचा रहेगा, क्या क्या बचा रहेगा, 5 से खाली हमने यहाँ काउंट किया, अब बचा हुआ आपके पास क्या है, 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 7 × 8 ऐसे, ओके, बाकी जारे सारे 5 जो है हमने काउंट कर ली, ओके, अब कितने टोटल हमारे पास 5 हो गए, 5 हमारे पास आप देखिए यहाँ पे 5 जो है 100 है, यहाँ पे 5 24 है, मतलब 5 टोटल हमारे पास 124 हो चुके हैं, ओके, मतलब 124 जीरोज आने का चांसेस है तब जब 124 2 भी हमारे साथ हो, 124 5 में 124 बार 2 भी मल्टीप्लाई होगा तभी तो 124 बार जीरो जनरेट होंगे, तो अब हम 2 देखते हैं 2 हमारे पास कितना है, 100 फैक्टोरियल इसमें तो कोई भी 2 नहीं है, 100 फैक्टोरियल में 2 होगा, तो 100 फैक्टोरियल में 2 कितने हैं ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, ओके, 100 को 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 50, ये 50 को भी 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 25, 25 को भी 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12, डेसिमल नहीं लिखना है, 12 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड कीजिए तो आएगा 3, 3 को 2 से डिवाइड कीजिए तो आएगा 1, और 1 को 2 से डिवाइड कीजिए तो आएगा 0, तो टोटल हमारे पास कितने आए 50 + 25 दैट इज 75, 75 + 12 आपको हो गया 87, 87 प्लस 3 90, 90 प्लस 6 96 और 96 प्लस 1 टोटल 97, तो 2 आपके पास सिर्फ 97 आए हैं, तो माय डियर फ्रेंड कितने सारे जीरोस बन पाएंगे, 97 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 97 जीरो जनरेट करेगा, क्योंकि जब जब 5 और 2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे दोनों का प्रोडक्ट होगा, पेयरिंग होगा तभी जाके जीरो जनरेट हो रहा है, एम आई राइट? तो इसका मतलब 97 बार टाइम्स ये पेयर बनेगा, 97 2 भी होंगे और 97 5 भी होंगे, तो 97 जीरो जनरेट होगा, बाकी जो 5 × 5 × 5 बचा उससे कोई जीरो जनरेट ही होगा ही नहीं, तो हमारे पास 97 जीरोज होंगे, ओके, क्लियर है? ये मैंने ऑलरेडी आपको नंबर्स में भी एक्सप्लेन किया है, नहीं किया है तो आने वाले क्लासेस में डेफिनेटली आप अटेंड कर लीजिएगा क्लास, ओके, तो मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 3 to the power of 193 इज डिवाइडेड बाय, 3 to the power of 193 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप ये नहीं कि कैलकुलेटर निकाल कर 3 × 3 × 193 टाइम्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है ये, आप बताइए पहले क्या आएगा रिमाइंडर, जीरो आएगा, 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, पहले मैं बता दूं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी, हाँ ये पॉसिबल है सॉरी मैं सोच रहा था 3 से डिवीजन है, पॉसिबल है 3 भी हो सकता है, कांट बी डिटरमाइंड, देखते हैं ये भी हो सकता है, तो देखते हैं आपका आंसर आप भेजाइए चैट में, वीडियो पॉज करके उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिए, तो माय डियर फ्रेंड 3 पावर 1 क्या होता है 3, राइट? 3 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, इसको जब हम 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा,
ऑब्वियसली रिमाइंडर 3 ही आएगा। हम राइट, ये मैं रिमाइंडर लिख रहा हूँ, ओके, आंसर नहीं लिख रहा हूँ, रिमाइंडर लिख रहा हूँ। 8 0 0 0, रिमाइंडर 3 आएगा। 3 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 9। 9 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 9 को 8 से डिवाइड कीजिए तो 8 1 8, रिमाइंडर 1 आएगा। एम आई राइट? उसके बाद 3 टू द पावर 3 मतलब कितना होता है, 27। 27 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 27। 8 3 24, 25 26 27, तो रिमाइंडर फिर हमारे पास फिर से 3 ही आएगा। एम आई राइट? 3 पावर 4, 3 पावर 4 मतलब कितना होता है, 81। 81 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 10 80, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो जस्ट ऑब्जर्व कीजिए कि हमारा रिमाइंडर सिर्फ 3 और 1 यही दोनों आ रहा है, या तो 3 आ रहा है या 1 आ रहा है, या तो 3 आ रहा है या 1 आ रहा है, यही दो नंबर रिमाइंडर में रिपीट हो रहे हैं। तो दो नंबर रिपीट होते हैं, तो अभी अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया, जब जब पावर ऑड नंबर है, ओके, उस केस में रिमाइंडर यहाँ पे 3 आ रहा है, ओके, और जब जब पावर इवन नंबर है, ओके, 2 है 4 है इवन नंबर है, मतलब उस केस में रिमाइंडर 1 आ रहा है। ओके, क्लियर है? यस। अब यहाँ पे पावर देखिए, पावर इवन है या ऑड है, तो यहाँ पे पावर 193 मतलब ऑड नंबर है, तो पावर ऑड नंबर मतलब रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो इसके लिए 3 आंसर। क्लियर? सिंपल था, जस्ट समझना है आपको। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 ये रहा। ए बस स्टार्ट फ्रॉम डिपो फिल्ड टू कैपेसिटी, ओके, जितनी भी कैपेसिटी थी बस में उतना लोग बैठे, जितने बैठने के थी कैपेसिटी उतने लोग हैं बस में। इट स्टॉप्स एट स्टेशन ए वेयर 1/3 ऑफ द पैसेंजर अलाइट, अलाइट मतलब ड्रॉप डाउन, ओके, 1/3 ऑफ द पैसेंजर जो हैं वो उतर गए हैं, एंड 30 बोर्ड द बस, और वहाँ पे 30 पैसेंजर और चढ़ गए। एट स्टेशन बी 1/4 ऑफ द पैसेंजर अलाइट, अब जितने पैसेंजर थे उसके 1/4 उतर जाते हैं, एंड 12 बोर्ड द बस, 12 लोग फिर चढ़ जाते हैं। एट स्टेशन सी विच इज द लास्ट स्टॉप ऑल द 84 पैसेंजर अलाइट, अच्छा लास्ट स्टॉप में जितने भी बचे हुए थे 84, सारे 84 उतर गए, तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बस, तो कैपेसिटी ऑफ बस क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये इक्वेशन से भी बना सकते हैं आप, लेट द कैपेसिटी ऑफ बस इज इक्वल टू एक्स, लेकिन मेरे अनुसार से आप ऐसे भी अप्रोच करते हैं कि देखिए लास्ट में 84 लोग अलाइट किए थे, ओके, लास्ट में कहाँ पे, स्टेशन सी में 84 लोग उतरे थे, स्टेशन सी से पहले क्या हुआ था, स्टेशन बी में 12 लोग चढ़े थे, जब 12 लोग नहीं चढ़े होते, समझिएगा, जब 12 लोग बी में नहीं चढ़े होते तो कितने लोग होंगे, तो इसमें 12 कम होंगे, मतलब कितने लोग होंगे, डेफिनेटली 72 लोग होंगे, ओके, जब अगर 12 नहीं चढ़े होते बी स्टेशन में तो 72 लोग होते। अब 72 लोग 1/4 पैसेंजर उतरने के बाद 72 लोग हैं, आर यू गेटिंग मी, तो दिस इज एक्चुअली 3/4 ऑफ सम वैल्यू, तो 1/4 उतरने के बाद 72 बचे हैं, तो इसका मतलब 3/4 ऑफ सम वैल्यू, ऑफ सम वैल्यू इज 72, 1/4 उतर गया मतलब 3/4 रिमेनिंग रहेगा, तो 3/4 ऑफ सम वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू इज 72, तो प्रीवियस वैल्यू क्या होगा, डेट इज 72 इंटू 4/3, तो 72 को 3 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा, 72 डिवाइड बाई 3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 24 आएगा, और 24 इंटू 4 कितना होता है आपको, डेफिनेटली 96, मतलब इसके 1/4 जो है नहीं उतरने के पहले, 1/4 नहीं उतरने के पहले उस बस में 96 लोग थे, ओके। अब बी का खत्म हो गया, 96 तक पहुंचे थे बी तक, ओके, उसके पहले क्या हुआ था, 30 लोग जो है बोर्ड किए थे बस, राइट, ए स्टेशन पे आ गए हम लोग, तो 30 लोग जब अगर बोर्ड नहीं करते तो इसमें से 30 कम होता, मतलब कितने लोग होते, 66, और 66 लोग कब था, जब 1/3 पैसेंजर अलाइट किए थे, तो 1/3 अलाइट किए थे मतलब 2/3 पैसेंजर, तो 2/3 ऑफ टोटल प्रीवियस पैसेंजर या टोटल कैपेसिटी ऑफ बस, क्योंकि उसके पहले तो कैपेसिटी ऑफ बस ही आएगा, ओके, 2/3 ऑफ कैपेसिटी ऑफ बस 66, तो व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ बस, दैट इज 66 इंटू 3/2, दैट्स इट। तो आप देखिए 66 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 33 आएगा, 33 इंटू 3 दैट इज 99 वॉज द कैपेसिटी ऑफ बस, तो हमारा आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज 99। आप इक्वेशन करके भी कर सकते हैं, इक्वेशन से लेट द कैपेसिटी ऑफ बस इज एक्स, तो आपको इक्वेशन कैसे बनेगा, हमने मान लिया एक्स, ओके, ये भी मैं इक्वेशन भी बता दे रहा हूँ, एक्स मान लेते हैं कैपेसिटी ऑफ बस, 1/3 पैसेंजर अलाइट किए थे तो बचे क्या होंगे, 2/3 ऑफ एक्स, ओके,
उसके बाद 30 पैसेंजर बोर्ड कर गए तो अब कितने पैसेंजर होंगे उसमें, प्लस 30। ओके, ये हुआ। उसके बाद स्टेशन बी में 1/4 पैसेंजर अलाइट किए हैं, मतलब इसका 3/4 बचेंगे, इसका 3/4 बचेंगे। उसके बाद लास्ट में फिर 12 लोग बोर्ड किए तो इसमें प्लस 12 कीजिए। ओके, स्टेशन सी में टोटल 84, अब ये टोटल मिला के 84 पैसेंजर है। इस इक्वेशन में आपको एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स मतलब द नंबर ऑफ पैसेंजर हु कैन सिट इन द बस, और यू कैन से कैपेसिटी ऑफ द बस। तो इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट कीजिएगा तब भी आपको 99 आए। क्लियर है? यस। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन में ये है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 63407 मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। बताइए कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कम से कम, स्मॉलेस्ट नंबर, ताकि हमारा ये जो नंबर 63407 से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा। आंसर बताइएगा वीडियो पॉज करके, और मैं आपको बता दूं कि एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। ओके, पहले आंसर बताइए फिर एक्सप्लेनेशन देखिएगा। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल, 9 की डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो सबको हम ऐड करते हैं। ओके, सबको ऐड करते हैं, 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 7 कितना हो रहा है 20। यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट, सारे डिजिट्स को ऐड करने से 20 बन रहा है। तो सम ऑफ द डिजिट अगर ये डिविजिबल है 9 से, तो गिवन नंबर डिविजिबल होगा 9 से, तो सम ऑफ द डिजिट यहाँ पे 20 आ रहा है, तो 20 तो 9 से डिविजिबल नहीं है, हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 20 में हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये 9 से डिविजिबल हो, तो 9 2 18 होता है, मतलब 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें, तो इसका मतलब इस नंबर से हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, लास्ट में 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ऑब्वियसली ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आपको बन जाएगा क्या, 63405, और ये नंबर 9 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसका टोटल सम 18 आ रहा है, तो ये 9 से डिविजिबल है, तो हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना था, दैट इज 2, तो 2 इज द आंसर। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 ये रहा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3^51 इज डिवाइडेड बाय 5। अब तो आप बता सकते हैं, अभी अभी हम लोगों ने रिमाइंडर वाला देखा है, अभी आप बता सकते हैं अगर 5 से डिवाइड करें 3^51 को तो रिमाइंडर क्या आएगा। पहले आप बताइए आंसर फिर एक्सप्लेनेशन देखिए। तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 3^1 कितना होता है, 3। 3 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर, यहाँ पे मैं रिमाइंडर लिख रहा हूँ, फिर से बता दूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, रिमाइंडर। तो 5 0 0, रिमाइंडर 3 बचेगा, राइट। 3 स्क्वायर क्या होता है, 9। 9 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, ओके, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 1 5, रिमाइंडर आपको 4 आएगा। ओके, 3 क्यूब इज 27। 27 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 5 25, मतलब रिमाइंडर 2 आएगा। ओके, अब 3^4 कितना होता है, 81। 81 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 81 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 16 80 होता है, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। ओके, 3^5 मतलब कितना होता है, 3^5 हाउ मच इट इज, 243, एम राइट। तो 243 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 243 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 240 तक तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, डेट इज 48 5 240, और बचेगा क्या रिमाइंडर, रिमाइंडर फिर 3 आएगा। और 3^6 कितना होता है, तो 3^6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपको आएगा 729 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 725 तक तो डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 4। अब ऑब्जर्व कीजिए कि हमारे पास रिमाइंडर 3421 आ रहा है, फिर से 3421 आ रहा है, मतलब ये 4 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3421 3421 3421। तो अगर 4 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मैंने आपको बताया पावर को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 4 से डिविजिबल हो गया या रिमाइंडर 0 आ गया, डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 मतलब लास्ट वाला हमारा आंसर होगा, रिमाइंडर 1 लास्ट वाला इसलिए क्योंकि 4 का ग्रुप बना के वो रुकेगा, रिमाइंडर 1 मतलब वापस पहला वाला होगा, रिमाइंडर 2 सेकंड, रिमाइंडर 3 थर्ड, और रिमाइंडर 4 नहीं आएगा, रिमाइंडर 4 नहीं आ सकता है क्योंकि हम पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 मतलब लास्ट वाला। तो 51 को 4 से डिवाइड कीजिए
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 1s are 4, रिमाइंडर 1, 11, 4 2s are 8, रिमाइंडर आपको 3 आएगा, am I right? रिमाइंडर 1 ये आंसर है, रिमाइंडर 2 ये आंसर है, रिमाइंडर 3 ये आंसर है, रिमाइंडर 0 लास्ट वाला आंसर. तो रिमाइंडर हमें 3 आ रहा है, 3 आ रहा है मतलब 2 होगा इसका आंसर, मतलब 2 शुड बी द रिमाइंडर व्हेन 3 पावर 51 इज डिवाइडेड बाय 5. क्लियर है? यस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 85, एमएसक्यू मतलब मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज्यादा आंसर्स भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए, इफ नंबर 653 ए बी इज डिविजिबल बाय 90 देन ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो 90 की डिविजिबिलिटी रूल, 90 की डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया है, को प्राइम, ओके, को प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है. को प्राइम क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया, नहीं भी अगर आपने सुना है तो आगे क्लास में डेफिनेटली आप अटेंड कीजिएगा. को प्राइम मतलब यहाँ पे 90 को हम लिख सकते हैं दो को प्राइम फैक्टर्स, दैट इज 9 × 10, क्योंकि कोई भी दो कंटिन्यूस नंबर को प्राइम ही होता है. ओके, अगर आपने नहीं को प्राइम वगैरह नहीं समझा है तो आप मुझे नेक्स्ट जब भी क्लास हो रही है तो आप एक बार पूछ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके, तो 9 × 10 मतलब गिवन नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी जो है गिवन नंबर 90 से डिविजिबल होगा, राइट? तो यहाँ पे ये नंबर जो है डिविजिबल माय 90, देन 90 से ये डिविजिबल है. इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो नंबर बनेगा ये 90 से डिविजिबल होगा. ओके, 90 से डिविजिबल होगा मतलब 10 से डिविजिबल, 10 से डिविजिबल मतलब बी की वैल्यू हमें 0 होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए. ओके, देन ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू क्या बनेगी? अब इसे 9 से भी डिविजिबल होना है, 10 से डिविजिबल होने के लिए तो लास्ट डिजिट 0 है, 9 से भी डिविजिबल होना है. 9 की डिविजिबिलिटी रूल अभी अभी हम लोगों ने देखा था, सम ऑफ द डिजिट, तो 6 प्लस 5 कितना होता है, 6 प्लस 5 होता है आपको 11, 11 प्लस 3 14, और आगे हम क्या ऐड कर सकते हैं कि जो ये डिविजिबल हो. तो हमारे पास 14 के बाद कौन कौन सा मल्टीपल है 9 का, 18 है, 27 है, तो 14 में कितना ऐड करेंगे कि 18 आएगा, तो 14 प्लस 4 ऐड करेंगे, और 14 में और कितना ऐड कर सकते हैं कि 27 आएगा, तो 14 प्लस और कितना ऐड करेंगे 27 आएगा 13, am I right? और नेक्स्ट मल्टीपल क्या है, 36 भी है, तो 14 में कितना ऐड करेंगे कि 36 होगा, तो 14 प्लस 22, ये सब नंबर हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज 4 भी ऐड कर सकते हैं, 13 भी, 22 भी. तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे पूछे हैं कि a प्लस बी शुड नॉट बी इक्वल टू, इट शुड बी इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू में क्या क्या हो सकता है, तो 4 हो सकता है, शुड बी इक्वल टू, अगर शुड बी इक्वल टू पूछा होता तो 4 हो सकता है, क्योंकि a ही हमें फाइंड आउट करना है, b तो फिक्स है, b तो कैसे भी 0 होगा, तो a प्लस बी मतलब a की वैल्यू ही होनी चाहिए. ओके, a प्लस बी, तो a की वैल्यू 4 हो सकती है, लेकिन a की वैल्यू 13 भी हो सकती थी, लेकिन a जो है वो सिंगल डिजिट है और 13 क्या है, दो डिजिट है, नो डाउट 14 प्लस 13 27, अगर यहाँ पे अगर आप 13 भी ऐड करेंगे तो ये पूरा नंबर जो है 90 से डिविजिबल होगा, लेकिन a एक सिंगल डिजिट है और 13 दो डिजिट है, तो 13 पॉसिबल नहीं है, 22 भी पॉसिबल नहीं है, 4 पॉसिबल है, क्योंकि सिंगल डिजिट में आप 13 और 22 कैसे लिखेगा, तो a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 13, a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 22, a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 4, ये पॉसिबल है क्योंकि ये सिंगल डिजिट है. ओके, क्योंकि b के लिए तो ऑलरेडी फिक्स है, b को 0 ही होना है, दैट्स इट, क्लियर? तो ये एमएसक्यू में ये दोनों आंसर्स होने चाहिए. ओके, दोनों पॉसिबल नहीं है, नो डाउट यहाँ पे देखने से आपको लग रहा है पॉसिबल है, क्योंकि तभी वो 90 से डिविजिबल होगा, लेकिन क्योंकि a एक सिंगल डिजिट है तो इसलिए 13 और 22 पॉसिबल नहीं है. तो देखिए कितना कंफ्यूज किया गया आपको क्वेश्चन में. ओके, तो मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 86, ए नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 18, देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की पॉसिबल वैल्यू. अब 18 की डिविजिबिलिटी रूल, 18 मतलब आप क्या लिख सकते हैं, 18 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं, 18 कैन बी रिटन एज 9 2s are 18, 6 3s are 18 मत लिखिएगा, को प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है, तो 9 और 2 मतलब गिवन नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, गिवन नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो ए और बी की वैल्यू, तो पहले बी की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, पहले बी की वैल्यू. ओके, 9 से भी डिविजिबल होना है, 2 से भी डिविजिबल होना है, तभी ये 18 से डिविजिबल होगा, तो बी की वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है मतलब बी को कोई भी इवन नंबर होना है,
तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टू और थ्री, बी के लिए थ्री दिया है, ए तो पॉसिबल नहीं है। ओके, ये वाला आंसर आपका नहीं है। अब ये सब पॉसिबल है, फोर एट टू हो सकता है यूनिडेट में, तभी ये टू से डिविजिबल होगा। अब नाइन की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स, पहले बाकी सब नंबर्स को ऐड कर लीजिए, डेट इज फोर प्लस फाइव नाइन, नाइन प्लस सेवन इज सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन, सेवनटीन प्लस टू इज नाइनटीन, नाइनटीन प्लस थ्री ट्वेंटी टू। अभी तक के जितने डिजिट्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो सब का सम 22 है, और ये नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 22 से बड़ा कौन सा है मल्टीपल 9 का, इमीडिएट नेक्स्ट, दैट इज 9 टू 18, 9 थ्री 27। तो और हमें कितना ऐड करना होगा 27 बनाने के लिए, 27 बन जाएगा तो ये डिविजिबल हो जाएगा, तो 27 ऑलरेडी 22 है, और कितना ऐड करना होगा, 5 ऐड करना होगा, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू 5 बननी चाहिए, ए और बी दोनों को ऐड करके मिनिमम 5 बनना चाहिए। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे मिनिमम 5 आपको बनना चाहिए, तो 3 प्लस 4 कितना बन रहा है, 7 बन रहा है, पॉसिबल नहीं है, 5 भी बन सकता है, यानी तो 13 भी बन सकता है, आर यू गेटिंग मी, 13 क्यों, क्योंकि और एक 9 आप ऐड कर दीजिए, ए प्लस बी की वैल्यू आपको 13 भी बन सकती है, क्योंकि 5 ऐड करने से ये 27 बन जाएगा, 27 प्लस 9 36 भी तो डिविजिबल है 9 से, तो और कितना 13 भी, 22 में 13 ऐड करने से भी 36 बन रहा है। ओके, तो 27 भी हम बना सकते हैं या 36 भी बना सकते हैं, तो 27 बनाने के लिए हमें 5 ऐड करना है, और 36 बनाने के लिए 22 में और हमें कितना ऐड करना है, सॉरी 14 ऐड करना है, यस 14 ऐड करना है। ओके, तो देखते हैं किसका, 3 प्लस 4 ये तो सम 5 नहीं है, 7 है, 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 कितना बन रहा है, 6 प्लस 8 ये आपको 14 बन रहा है, 1 प्लस 2 3 बन रहा है, तो या तो 5 या नहीं तो 14। ओके, यही दो पॉसिबल है, तो 14 ये बन रहा है, तो नो डाउट हमारे लिए सी आंसर है, क्लियर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है, एक्सप्रेस 0.003245 एज अ फ्रैक्शन। माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था, क्लियरली बताया था फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, लेट अस कंसीडर सम एक्स वैल्यू इज इक्वल टू 0.003245 के ऊपर बार लगा, मतलब 4545 ये चलता रहेगा, एम आई राइट। अब सबसे पहले आपको डेसिमल वहां ले जाना है जहां तक रिपीटेशन नहीं हुआ है। ओके, तो यहां अब तक हम ले जाएंगे डेसिमल, मतलब इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि डेसिमल वहां तक पहुंच जाए जहां तक का रिपीटेशन नहीं है। ओके, तो 3 2 2 तक का, 2 के बाद फिर रिपीटेशन चालू हो गया, तो यहां तक डेसिमल लाना है, मतलब 1 2 3 4 चार डिजिट्स आगे ले जाना है, मतलब इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि ये चार डिजिट आगे चलाएगा, चला जाएगा डेसिमल। तो ऑब्वियस है कि इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, तो मल्टीप्लाइंग 10,000 ऑन बोथ साइड, तो हमें कितना आएगा, 10,000 एक्स इज इक्वल टू 32.454545 ऐसे होने लगेगा, एम आई राइट। ओके, अब ये डेसिमल वहां के वहां तक चला गया जहां तक जो है रिपीटेशन नहीं हुआ है। अब 45 जो पीरियड रिपीट हो रहा है उसको आपको डेसिमल के पहले लाना है, मतलब और एक दो जीरो इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पे चार जीरोज है तो 6 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू, अब ये कितना बन जाएगा, 3245.454545 दैट्स इट। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, डेसिमल के बाद हर जगह जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद हर जगह 4 5 माइनस 4 5 5 माइनस 5 0 4 माइनस 4 0 5 माइनस 5 0 4 माइनस 4 0, तो डेसिमल के बाद जीरो आपका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ओके, मेन सब्ट्रैक्शन आपका यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप 10 लाख है ना, ये 10 लाख में से अगर 10,000 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आएगा, तो माय डियर फ्रेंड ये हमें आएगा 99000x इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में क्या हुआ, डेसिमल के बाद तो जीरो ही हो गया, तो मेन सब्ट्रैक्शन आपका यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है आपको 3245 माइनस 32, तो 3245 माइनस 32 कितना होता है, तो नो डाउट ये आपको होता है 3213, तो 3213। तो व्हाट इज एक्स वैल्यू, एक्स मतलब क्या था, वो नंबर था, इस नंबर को ही हम एक्स माने थे,
So what is x value? X value will be equal to 3213 divided by 99000. That's it. ये x मतलब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है और x का मतलब ही ये नंबर था जो इन्होंने एक्सप्रेस करने के लिए दिया था हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में. तो 3213 डिवाइडेड बाय 99000 मतलब डी ऑप्शन दिस आंसर. क्लियर? पहले जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको डेसिमल के पहले लाइए, उसके बाद वो पीरियड को उठा के लाइए जो कि रिपीट हो रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस में आपको आ गया. डेट सेट, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स मतलब द गिवन नंबर है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है. ए नंबर एन 1 डिवाइडेड बाय 120 गिव्स अ रिमाइंडर 76. व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8? कम ऑन, अगर उसी नंबर n को अगर हम 8 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता? 2 आता, 3 आता, 4 आता, 5 आता? आंसर बताइएगा वीडियो पॉज करके, फिर एक्सप्लेनेशन देखिएगा चैट में, अपना आंसर बताइए. तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. सबसे पहले ये समझिए कि जब नंबर 120 से अगर डिविजिबल है, अगर कोई नंबर x 120 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली वो नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा. क्यों? अगर डिविजिबल है कोई नंबर x अगर 120 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो 8 से भी पूरा डिवाइड होगा. क्यों डिवाइड होगा? क्योंकि 8 जो है वो 120 का फैक्टर है. ओके, कोई मल्टीपल अगर किसी नंबर को डिवाइड कर दे रहा है तो उसके फैक्टर्स जो है वो भी डिवाइड कर देंगे. ओके, तो जहां तक 120 डिवाइड कर रहा है वहां तक तो 8 भी डिवाइड करेगा. और 120 से n को डिवाइड करने के बाद, n को 120 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है? 76 रिमाइंडर बच रहा है. एम आई राइट? तो जहां तक ये डिवाइड किया है 120 वहां तक तो 8 भी डिवाइड कर लेगा, लेकिन अब जो रिमाइंडर 76 बच रहा है इसको भी ये 8 डिवाइड कर सकता है. तो 76 को, बहुत ही सिंपल है, 76 को 8 से डिवाइड कीजिए. तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 9 आपको आएगा 72. ओके, रिमाइंडर कितना बचा? 4. मतलब 9 टाइम्स तक ये डिवाइड कर लेगा फिर भी रिमाइंडर 4 बचेगा. मतलब उसी नंबर को अगर हम n को 8 से डिवाइड करते तो ये 76 जो रिमाइंडर बच रहा है 120 से डिवाइड करने के बाद वो भी आगे डिवाइड हो जाता और रिमाइंडर 4 बचता. तो रिमाइंडर 4 इज द आंसर. क्लियर है? तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे. तो कल भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 से कल हम लोग देखेंगे. ओके, और दूसरे टॉपिक्स के. और मैं आपको बता दूं कि आप मेरा कोड यूज कीजिए वेन एवर यू आर टेकिंग प्लस सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी टू गेट द डिस्काउंट. माई कोड इज AR10. ओके, फर्दर मैं आपको बता दूं, ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ये लीड गेट का चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप आगे भी वीडियोस देख सकें, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल, कंप्लीट महारिविजन. और मेरे यूट्यूब क्लासेस के लिए जितने भी अपकमिंग क्लासेस हैं या लाइव क्लासेस हो चुके हैं, इसके कंप्लीट डिटेल आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे. अमूल्य रतन एफटीएन अकेडमी है मेरा फेसबुक पेज. इंस्टा पे फॉलो करें तो वहां भी मिल जाएंगे. और अन अकेडमी ऐप आप अगर आप डाउनलोड कर लीजिए तो ये प्रोफाइल अमूल्य रतन ये सर्च कीजिएगा तो आपको उस गेट एसी के चैनल में आपको ये नाम, ये प्रोफाइल मिल जाएगा. अगर वो प्रोफाइल में जाकर, दैट इज माय नेम, उस प्रोफाइल में जाकर आप नोटिफिकेशन ऑन कीजिए तो मेरे स्पेशल क्लास भी आप अटेंड कर सकते हैं विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, ये भी आपको फ्री है. तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिए और ये कोड आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी डिस्काउंट मिल सके. तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन. कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल.